तुम शांति, आज का सम्मान। मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। चिंतन, फरिश्ता स्थिति का अनुभव सदा कैसे करें? योग अभ्यास, मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा लाइट के शरीर में विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली पवित्र किरणें चारों तरफ फैल रही है, जो आत्माओं को कमजोरी से मुक्त कर शक्तिशाली व निर्भय बना रही है। आज बाबा ने हमें सम्मान दिया, बच्चे आप फरिश्ता सुर देवता हो। इस पर चिंतन कीजिए कि फरिश्ता स्थिति का अनुभव सदा कैसे रहे। तो सबसे पहले जानेंगे कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अर्थात तन से भी लाइट और मन से भी लाइट। मन की किसी भी प्रकार का बोझ न हो। अगर मन और बुद्धि पर कोई भी प्रकार का बोझ होगा तो फिर डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर ही नहीं सकेंगे। जैसे हम सेवा उमंग उत्साह से करते हैं, वैसे ही पहले स्वयं की सेवा करें। स्वयं सेवा अर्थात स्वयं को चेक करना और भाव समान सर्व बंधन मुक्त बनना। इसलिए कोई भी बोझ, कोई भी कमी कमजोरी हो तो उसे भाव को देकर डबल लाइटपन, पूर्ति कला और संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। देह में रहते भी देह का कोई भी बांध न हो। देह बांध के सारे रिश्ते टूटे हुए हों। देह बांध से न्यारा और बाबा के प्यारे फरिश्ते बनना है। सदैव लाइट स्वरूप में स्थिति में स्थित होना है। तन भी लाइट तो मन भी लाइट हो। लाइट का रूपधारी फरिश्ता बनना है। बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर ऊंची स्टेज पर ही रहे। हमारा फरिश्ते का पांव भी इस देह रूपी धरनी पर नहीं रह सकता। सदा उड़ने वाले फरिश्ता बने। हम फरिश्ता ज्योति की काया में रहते हैं। एक चैतन्य प्रकाश स्वरूप फरिश्ता। चलते फिरते ये अनुभव करें, हम प्रकाश काया वाला फरिश्ता। चल रहा है, फरिश्ता बोल रहा है। हम आत्माएं अपनी सूक्ष्म शरीर को अर्थात फरिश्ते स्वरूप को चेक करें। मेरे संकल्प जितने शुद्ध पवित्र और सर्व के लिए कल्याण की भावना और दुआओं से बड़े होंगे, उतना मेरा फरिश्ता स्वरूप लाइट और माइट से भरपूर होगा। मैं जितना जितना व्यर्थ से मुक्त रहूंगी, उतना समर्थ बनते जाएंगे। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अपने सतयुगी देवता स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। लाइट माइंड के ट्रांसपेरेंट काया और सूक्ष्म शरीर के साथ साथ जैसे संकल्प वैसा स्वरूप दिखाई देगा। फरिश्ता स्वरूप शक्तिशाली स्थिति है। उस स्थिति में स्थित होकर जो संकल्प करते हैं उसका स्वरूप बनते जाते हैं। सो हम फरिश्ता सो देवता ये पावरफुल संकल्प करते ही हमसे दिव्य गुणों की वासना देवी संस्कार झलकने लगते हैं। देव आत्मा अर्थात पवित्र आत्माएं हम फरिश्तों से देवता स्वरूप से पवित्रता की किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही है और हमारे पवित्र संकल्प शुद्ध पावन वातावरण का निर्माण करते हैं। ये पवित्र वाइब्रेशन वातावरण के साथ साथ मनुष्य आत्माएं और प्रकृति के पांच तत्व और उसमें रहने वाले हर पंछी पक्षु सब जीव जंतु को भी प्रभावित करती है। पवित्रता सबको अपनी तरफ खींचती है, आकर्षण करती है। पवित्रता में जादुई शक्ति है। हमारे पवित्र वाइब्रेशन से अनेक आत्माओं को शांति और खुशी की अनुभूति हो रही है। उनकी आसुरी कमजोरी संस्कार शक्तिशाली होने लगे हैं। उनके भीतर
पवित्रता को अपनाने की इच्छा जागृत हो रही है। हमारे देवी संस्कार उन्हें ऊंचा बनने की प्रेरणा देते हैं। हमारे कर्म और व्यवहार भी उन आत्माओं को बहुत ही सरल और सहज अनेक अनुभव करा रहे हैं। तो सभी आत्माओं को हम फरिश्तों की पवित्र और दिव्य खींच रही ही है। उनका मन भी दिव्य संस्कारों से अपनाने के लिए दिव्य किरणें नजर आ रही है। अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में बाबा के सम्मुख बैठ अनुभव करें। बाबा से शक्तिशाली पवित्रता की किरणें निकल निकल हम फरिश्तों द्वारा विश्व में चारों ओर फैल रही है। जो अनेक कमजोर आत्माओं की कमजोरी से मुक्त कर शक्तिशाली और निर्भय उन्हें बना रही है। अब अनुभव करें अपने सत्यों की देवता स्वरूप को। देव आत्मा के रूप में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक आत्माएं। हम बेहद के विश्व का मालिक, राज्य अधिकारी आत्माएं हैं। सदैव नशा रहे हम ही ब्राह्मण, सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले आत्माएं हैं। थैंक यू बाबा, आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बलहार जाऊं बाबा, आप बरवारी जाऊं। ओम शांति शांति शांति।